प्रदेश में नाबालिग मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत का खेल लगातार खेला जा रहा है, जिसमें मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा एक मामला सामने आया है जहां 3 बच्चियों के बाप ने ही अपनी बेटी समान 11 साल की मासूम को खेलते समय अपने घर में बुलाकर अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के घनश्यामपुर चक का है, जहाँ 24 नवम्बर की शाम करीब 5 बजे 11 साल की मासूम अपने घर के बाहर लगभग 100 मीटर की दूरी पर खेल रही थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे राशि उम्र 38 वर्ष ने बच्ची को बहला फुसला कर अपने खाली घर के अंदर ले गया, जहां दरवाजा बंद कर इस दौरान बच्ची रोती भी लगती रही, पर हैवान ने दरिंदगी की सारी हदें पार करके मासूम बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को सुनाई। वह इस घटना के बाद से ही आरोपी राशु फरार हो गया है। थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि नाबालिग बच्ची के पिता और मां ने सोमवार शाम को थाने में आकर मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि उन्हीं के घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले युवक राशु ने उसके बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मंगलवार की सुबह एक टीम बनाकर आरोपी राशु के घनश्यामपुर स्थित मकान पर दबिश भी दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ थाना उपस्थित आए थे। वहाँ इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि परसों के दिन जब उनकी नाबालिग बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तब पास ही का रहने वाला राशु यादव उसको बहला फुसला कर अपने घर ले गया था और उसके साथ वहाँ पर गलत काम किया था, क्योंकि परसों बच्ची का बाप घर पर ना होने से कल शाम को वो लोग रिपोर्ट के लिए आए थे। मामले की तस्दीक की जाकर प्रथम दृष्टि धारा 363, 366, 376 ए बी व 5M/6 पॉस्को एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस पर से थाना आजा पर 608/19 अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना की जानकारी तुरंत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई थी, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को गंभीरता से देते हुए उस थाना प्रभारी को आरोपी को पकड़ने हेतु सख्त निर्देश दिए गए थे। जो आज दिनांक को पुलिस टीम ने दबिश दी जाकर ग्राम घनश्यामपुर से आरोपी राशु और पुनित मात्र को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय पेश किया गया है।